So let us see our rights as mentioned in the constitution. Let us understand the rights of Indian citizens included in the constitution. तो हमारे constitution ने हमें कौन कौन से rights दिए हैं ये हम देखेंगे. तो बहुत सारे rights हैं. सबसे पहला important right जो है वो है right to equality. ये किसने दिया है हमें? कोई भी right किसने दिया है हमें? हमारे constitution ने. और ये जो rights हैं वो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता. तो what is right to equality? Equality मतलब क्या होता है कि हर एक पर्सन, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी क्रीड का हो, उसको हम इक्वल ट्रीट करेंगे. उसको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इक्वल ट्रीट करेगी. अकॉर्डिंग टू द राइट टू इक्वालिटी द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स एज पर सुपीरियर और इन्फीरियर और एज मैन वुमेन एंड कैन नॉट गिव डिफरेंट ट्रीटमेंट और प्रिविलेजेस टू एनीबडी. तो राइट टू इक्वालिटी क्या बोलता है कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट मतलब है नेशन, इंडिया, ठीक है. तो इंडिया जो है यानी कि पूरा स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता सिटीजन्स को. कौन से बेसिस पे? कि अगर वो मेन है तो उसको ज़्यादा सैलरी देंगे, वो मेन है तो कम सैलरी देंगे, है ना. ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हो गया. और ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हुए वो किसी को सुपीरियर यानी किसी को बड़ा या किसी को भी छोटा नहीं ट्रीट कर सकता. सबको इक्वल ट्रीट करना है. द सेम लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल. तो ये लॉ जो है वो सभी को इक्वली अप्लाई होता है कि जो स्टेट है यानी इंडिया में कोई भी किसी को ऊंचा नीचा ट्रीट नहीं करेगा. मैनी लॉज गिव अस प्रोटेक्शन. बहुत सारे ऐसे लॉज है जो हमको प्रोटेक्शन देते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट विदाउट वारंट. जैसे कि पुलिस जब हमें अरेस्ट कर रही है तो वो वारंट उसको दिखाना पड़ता है पुलिस को. वारंट मतलब एक टाइप से परमिशन होती है जो भी बड़े होते हैं उनकी. तो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते कोई भी. ये हमारा एक टाइप से प्रोटेक्शन है. ऑल्सो द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल एक्सटेंडिंग सच प्रोटेक्शन. और इस प्रोटेक्शन को बढ़ाते हुए स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. मतलब किसी भी बेसिस पे चाहे कुछ भी हो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ना ही कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा. यही बोलता है राइट टू इक्वालिटी. सॉरी, वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो इसके एडवांटेजेस क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है? मतलब कानून की नज़र में सब समान है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है. और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मतलब कि हमारे जो लॉज हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, कोई उनको हमसे छीन नहीं सकता, ठीक है. तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये है कि हम लोग अच्छे से जी सकते हैं, कोई भी हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, हम जैसे चाहें वैसे हम रह सकते हैं. और इससे डेमोक्रेसी भी बची हुई है, डेमोक्रेसी पे कोई हार्म नहीं है. वट अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द राइट टू इक्वालिटी. और क्या चीज़ें इंक्लूडेड है राइट टू इक्वालिटी में वो हम देखेंगे. द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट. अब स्टेट जो है वो किसी भी इन सब चीज़ों को लेकर वो हमारे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती. पहले तो रिलीजन के बेसिस पे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसीलिए इंडिया जो है उसको सेक्युलर कंट्री बोलते हैं कि वहाँ पे हर धर्म के लोग हैं. फिर कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. रेस यानी जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो अलग, साउथ इंडिया के लोग अलग, ऐसा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. सेक्स यानी मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, इनमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट यानी उनका वंश, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कहाँ पे वो जन्मे हैं. और रेसिडेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब अगर हमने कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक की, उसके बाद जो भी एम्प्लॉय को दिया जाता है रहने के लिए, जो भी घर वगैरह दिया जाता है, उसमें भी किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उनके बीच. तो ये सारी चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. इसी को क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वालिटी. द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी That was prevalent in our country has been abolished by the law. तो हमारी कंट्री में untouchability की एक प्रैक्टिस जो थी वो बहुत ही prevalent थी, मतलब बहुत ही बहुत आगे निकल गई थी. untouchability मतलब होता है कि कोई अछूत, जैसे हम कहते हैं touchability, अछूत मतलब कि कुछ लोग जो है उनको माना जाता था कि वो निचली जाति के हैं और अगर हम उन्हें टच करते हैं तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी. तो ये जो एक रीत थी वो बहुत ही गलत थी, इसलिए इसको बैन कर दिया. किसने? गवर्नमेंट ने. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज कॉग्निजेबल ऑफेंस.
तो अगर कोई भी अनटचेबिलिटी करते हुए पकड़ा गया तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब वो एक गुनाह है। दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन एबोलिश्ड इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश इक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो ये जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, अछूत की जो प्रथा थी, इसको क्यों हटाया गया? ताकि इक्वलिटी ला पाए हमारी इंडियन सोसाइटी में हम। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो एबोलिश्ड टाइटल्स दैट क्रिएट एन आर्टिफिशियल हायरार्की अमंग पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ टाइटल्स को भी एबोलिश किया, एबोलिश किया मतलब हटा दिया। कौन से टाइटल्स हैं? जैसे कि राजा, महाराजा, राय बहादुर एक्सेट्रा। ये सारे टाइटल्स लोग अपने नाम के आगे लगा देते थे। कोई हम बड़ी कास्ट के हैं तो हम अपने नाम के आगे कुछ टाइटल वगैरह लगा देंगे, ऐसे महाराजा राजा। तो ये जो टाइटल है उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि आप लोग ऐसे नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी जो कास्ट है वो ना कोई कास्ट बड़ी है ना कोई कास्ट छोटी है। ठीक है, फिर डू यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स दैट नर्चर इनइक्वालिटी एंड ड्रॉ वेजेस इन सोशल यूनिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे सारे टाइटल्स जो इनइक्वालिटी क्रिएट करे लोगों में और सोशल यूनिटी को हार्म करे, ऐसे सारे टाइटल्स को बैन कर दिया है कि आप लोग टाइटल्स नहीं लगा सकते। बट द स्टेट डस कन्फर अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एक्सेट्रा फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स। लेकिन अगर किसी पर्सन को पद्मश्री अवार्ड मिला, ये सारे बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, तो हम उनके नाम के आगे ना ये टाइटल्स लगा देते हैं कि ये पद्म भूषण समथिंग समथिंग जो भी नाम है। ठीक है, तो ये वाले जो टाइटल्स ये अलाउड है कि ये लगा सकते हैं। भारत रत्न इज द ग्रेटेस्ट सिविलियन ऑनर और अवार्ड ऑफ आर कंट्री। हमारे कंट्री का, हमारी इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई अवार्ड है तो वो कौन सा है? भारत रत्न। अगर किसी पर्सन को भारत रत्न मिला है तो हम उसके आगे भारत रत्न लगा देते हैं एज अ टाइटल। तो ये इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है ना, इससे सिर्फ ये पता चलता है कि उन वो जो पर्सन है उन्होंने कुछ ग्रेट काम किया है, तो इससे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, इसीलिए गवर्नमेंट ने इन टाइटल्स को रहने दिया। मेडल्स ऑफ ऑनर लाइक परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र आर अवॉर्डेड फॉर रिमार्केबल सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स। अब आर्म्ड फोर्स में मतलब आर्मी में अगर कोई देश के लिए शहीद होते हैं या जो बड़े काम करते हैं उनके लिए ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र। सच अवार्ड्स डोंट बेस्टो एनी स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस अपॉन दोज हु रिसीव देम, इट इज़ ओनली अ रिकॉग्निशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। तो वही बात है कि ये सारे जो अवार्ड्स हैं, ऐसे नाम लगाने से, ये अवार्ड्स के टाइटल अगर हम नाम के पहले लगाते हैं तो किसी को भी किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर रहे। बस ये अवार्ड्स या ये टाइटल्स क्या बताते हैं? कि उन्होंने कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया है देश के प्रति, इसीलिए हम ये टाइटल्स लगाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन टाइटल्स को बैन नहीं किया है, पर जो राजा महाराजा जैसे टाइटल्स हैं उनको बैन कर दिया है, वो हम अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते।